बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फारूक। आज मैं आपके साथ सर्दी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं तो शुरू करते हैं। एक गिलास चावल लिए, इसे मैंने भिगो के रख दिया है। 3 अंडे लें हैं और आप इनको बॉयल होने के लिए रख दें। इस तरीके से किशमिश, बादाम, नारियल जो है इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और आधी प्याली रेडी कर ली। 6-7 यहाँ पे रसगुल्ले लिए, 2 यहाँ पे बीच पीस बर्फी के लिए हैं और 1 प्याली दही है और ये हमारे पास 1/2 प्याली जो है ड्राई फ्रूट्स की है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। जी तो सबसे पहले चावल बॉयल होने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। उसमें हम जो है 1 पैकेट जो है यानी आधी चम्मची जो है जर्दा कलर की ऐड कर देंगे और अब इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। अंडे बॉयल हो चुके हैं, इनको मैंने जो है इस तरह स्लाइसेस में कटिंग कर ली है। साथ मैंने बर्फी को इस तरह से चूरा कर लिया है और ये मेरे पास आधी प्याली किशमिश है जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। 1/2 कप ऑयल में 5-6 इलायची इस तरह से तोड़ के डाल दें और उनको फ्राई होने दें। जी मेरे पास 1/2 ग्लास यानी 1 कप शुगर है और 1 ग्लास चावल है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी और साथ साथ चमचा चलाती जाऊंगी। बस इसको आपने ब्राउन नहीं होने देना और इसमें फौरन दही ऐड कर देना है जो कि आधी प्याली थी मेरे पास। लो जनाब, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर ये तैयार नज़र भी आ रहा है और तैयार भी हो रहा है। इसको बस 5 मिनट्स जो है इस तरह से कुक करना है और ऑयल में पका लेना है। इस तरह से बबल्स आ जाएंगे और चावल मेरे पास बॉयल हो चुके थे जिनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था अच्छी तरह से और अब इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी चावल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था तो चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं घर की बनी हुई बलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डेरी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे बस ये अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और जो रसगुल्ले हैं वो इस तरीके से आप इसको जैसे चाहे इसको जो है डेकोरेट कर। ये मेरे पास बर्फी थी जो कि मैंने इसका चूरा कर लिया था, उसको मैंने गार्निश कर दिया है और लास्ट पे जो है हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की जितनी नेमतों का, इन रहमतों का, इन नवाजिशों का मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। बस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और यही हमारी हौसला अफजाई होती है। मुझे दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो के इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।